आज का अपना जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से। मैं क्या टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहा हूँ आपको, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक अपन ज़्यादा अच्छा करें तो बेटर रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक का स्टार्ट है मौसम। क्या नाम है? सबने देखा है मौसम, सबने पढ़ा है मौसम क्या होता है, मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। ध्यान रखना, अगर मौसम की बात करें अपन तो किसी भी स्थान की अपन बात करें तो किसी भी स्थान की अल्पकालीन जो दशा होती है, कौन सी अल्पकालीन का मतलब अचानक परिवर्तन होने वाली अल्पकालीन जो दशा है ना, अल्पकालीन दशा को अपन क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी क्या डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है तो आपको सीधे सीधा इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, किसी भी स्थान की विशेष अल्पकालीन दशा को क्या कहते हैं अपन, मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। किसी भी स्थान की विशेष अल्पकालीन दशा को क्या कहते हैं, मौसम। अब दूसरी बात आपके दिमाग में आ रहा होगा तो भी क्लाइमेट किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, क्या जलवायु किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जलवायु का सीधे सीधे स्थान लिया जाए ये अल्पकालीन है तो वो क्या हो जाएगी, दीर्घकालीन। कौन सी? दीर्घकालीन। तो आपको दोनों परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। मौसम का मतलब होता है किसी भी स्थान की विशेष अल्पकालीन दशा को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, और किसी भी स्थान की विशेष दीर्घकालीन दशा को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु, ठीक है, याद रह जाएगा। अब बात कर रहे हैं अपन मौसम की, तो एक शब्द याद रखना, मेट्रोलॉजी। कौन सा? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी ध्यान रखना, मेट्रोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है। कितने वर्डों से मिलकर बना होता है? दो। एक वर्ड का अर्थ होता है मेट्रो, कौन सा, मेट्रो, और दूसरा क्या हो जाएगा, लॉजी। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था जिसके पीछे क्या लगा रहता हुआ वो लॉजी, क्या लगा रहता वो लॉजी, वो कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का। तो ये मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी अपनी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का ग्रीक है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का। तो सीधा सीधा याद रखना, आपको पूछे कि मौसम का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है या मौसम का अध्ययन कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, मौसम का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, मेट्रोलॉजी में। कौन सी शाखा में किया जाता है, मेट्रोलॉजी में, ठीक है। अब बात करें, ये तो मेट्रोलॉजी की बात हो गई, अब बात करते हैं अपन क्लाइमेटोलॉजी की। किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट देने वाली बात ये होगी कि ये दो तीन ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। देखो मैं बताते तो हूँ, क्लाइमेट्रोलॉजी पीछे क्या लग रखा है, लॉजी, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितना शब्दों से मिलकर बना होता है, दो। एक तो होता है क्लाइमा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, क्लाइमा, और पीछे क्या लगा रहता है, लॉजी। क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमा का मतलब होता है जलवायु, क्या होता है, जलवायु, और लॉजी का मतलब वही विज्ञान, कौन सा विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान का अध्ययन कौन से शाखा में किया जाता है, तो कौन से शाखा में किया जाता है, क्लाइमेटोलॉजी। और ध्यान रखना, क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है अपने, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ये कि ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, किसकी बात करें, क्लाइमेट की। ध्यान रखना, ये क्लाइमेट, एक तो होता है क्लाइमेटोलॉजी, ये तो कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का, लेकिन याद रखना क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का, लैटिन। याद पर चीज याद रख लेना, एक चीज यही है, अगर आपको पूछे क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, और क्लाइमेट पूछे तो कौन सी भाषा का हो जाएगा, समझ में आएगा। दोनों के देखो, मेट्रोलॉजी भी बता दिया, क्लाइमेटोलॉजी बता दिया। मौसम किसे कहते हैं, किसी भी स्थान की विशेष अल्पकालीन दशा को क्या कहते हैं अपन, मौसम कहते हैं, और किसी भी स्थान की विशेष दीर्घकालीन दशा को क्या कहते हैं अपन, जलवायु, ठीक है। फिर मैंने बताया मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम का, और मेट्रोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है मेट्रो और होता है लॉजी, तो जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ कौन सी भाषा का हो जाएगा, कौन सी भाषा का हो जाएगा, ग्रीक भाषा का, और क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का, लेकिन क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है,
अब मुझे बताओ जलवायु का अध्ययन कौन से शाखा में किया जाएगा? क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। फिर अपन आगे बात कर रहे हैं, दो तीन वैज्ञानिक आपको याद रखने पड़ेंगे, दो तीन वैज्ञानिक इंपोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जा सकता है, वो वैज्ञानिक मैं आपको बता देता हूँ। एक वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर डीएन वालिया। क्या नाम है? डॉक्टर डीएन वालिया। ध्यान रखना, डॉक्टर डीएन वालिया को विश्व मौसम विज्ञान का क्या कहा जाता है? इनको जनक। आपको पूछा जाएगा विश्व में मौसम विज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है? डॉक्टर डीएन वालिया। अगर बात करें अपन भारत की, तो भारत में एक वैज्ञानिक आए थे डॉक्टर पी ए रामदास। क्या था? पी ए रामदास। और डॉक्टर पी ए रामदास को क्या कहा जाता है? भारतीय मौसम विज्ञान का जनक। ये दो वैज्ञानिक याद रखने। अगर आप बात करें विश्व में, तो विश्व में सर्वप्रथम जो मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर डी एन वालिया को। और अपन भारत की बात करें, तो भारत में पी ए रामदास को क्या कहा जाता है? विश्व मौसम विज्ञान का जनक। अब बात करें, एक वैज्ञानिक और था, आपने सुना भी होगा, जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं अपन, एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, नाम सुना होगा कोपेन। क्या नाम है? कोपेन ने क्या दिया था? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण दिया था इसने। क्या दिया था? जलवायु का वर्गीकरण। इसलिए ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? विश्व में जलवायु का जनक, जलवायु का जनक। अगर आपको तीनों वैज्ञानिक याद रखना है, एक तो डीएन वालिया, पी ए रामदास और एक कोपेन। कोपेन का तो पता ही होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा भी होगा। तो जलवायु का जो जनक ही है, वो किसे कहा जाता है? कोपेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोपेन को कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दो तीन बार जेड में भी रिपीट हो गया, एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा गया है, और आईसीआर में भी पूछा गया है। क्या है? अपन पता करें कि जलवायु का कैसा, जलवायु का निर्धारण कैसे करेंगे। तो जलवायु का निर्धारण करने के लिए ध्यान रखना, लगभग जो अपन से 31 साल पुराना डाटा चाहिए। कितना साल पुराना? 31 साल पुराना डाटा के अनुसार ही अपन जलवायु का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते। तो ये ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र के अपन को जलवायु का निर्धारण करना है, किसी भी एरिया का या क्षेत्र के अपन को जलवायु का निर्धारण करना है, तो ध्यान रखना ना, लगभग कितने 31 वर्षों का क्या चाहिए अपन को? डाटा चाहिए। क्या चाहिए? डाटा, तब भी अपन कर सकते हैं जलवायु का निर्धारण, वरना नहीं कर सकते। जितना पुराना डाटा, लगभग ये मान के चलो, ये कई बार पूछा गया है किसी भी स्थान की, किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करना है तो कितने वर्षों तक का डाटा चाहिएगा? तो कितने वर्षों का डाटा चाहिए? लगभग अपन को 31 वर्षों का। ये मौसम और जलवायु की थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, ताकि क्या है, आपको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि आजकल क्या, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा, जरूरी नहीं कि अपन पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है। जैसे पूछ लिया विश्व मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या पूछोगे? डीएन वालिया। या फिर पूछ लिया डीएन वालिया को क्या क्या कहा जाता है, क्या किससे संबंधित वैज्ञानिक है? डीएन वालिया किससे संबंधित वैज्ञानिक है? ऑप्शन दे दिया मौसम, जलवायु, दो तीन ऑप्शन और दे दिए, तो आपको याद रखना किससे है? मौसम विज्ञान से, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी घूम सकता है कि विश्व भारत में मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पी ए रामदास। अब पूछ लेगा पी ए रामदास का संबंध कौन सा है, किससे है? तो किससे है? मौसम से। किससे है? मौसम से। और कोपेन का तो पता ही होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दो ध्यान रखना, दो वर्ड, एक तो क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट में दोनों डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लाइमेट तो एक लैटिन भाषा का, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? कोई बता सकता है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब यह होता है कि जो पृथ्वी होते हैं ना, पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर जो पाया जाने वाला आवरण होता है, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों ओर जो पाया जाने वाला है ना, चारों तरफ से पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या वायुमंडल?
वायुमंडल कहलाता है। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वायुमंडल से, क्योंकि वायुमंडल में प्रमुख चार गैसें पाई जाती है। कितने? चार गैसें पाई जाती है। कितनी? चार जो गैसें पाई जाती है। इस गैसों से गैसें पाई जाती है, उस गैसों से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। चलो बताते हैं अपन को। पहली जो गैस पाई जाती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन लगभग पाई जाती है वायुमंडल में 78%। कितने? 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन ऑक्सीजन की। किसकी? तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। तीसरी बात करें, एक गैस पाई जाती है, गैस का नाम है ऑर्गन। ऑर्गन लगभग 0.93% पाई जाती है। अब बात करें एक और गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये लगभग पाई जाती है 0.03%। ध्यान रखना, एक बार 2016 या 17 का जेड का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा था? वायुमंडल में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। ऑप्शन में 0.03% था भी नहीं। ऑप्शन क्या थे देख लेना, 0.3%, 0.003%, फिर था 30 ppm, फिर था 300 ppm। चार ऑप्शन दिए थे 2017 के पेपर में था। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते थे और कोई भी टीचर करवाता भी नहीं था कि ये कहाँ से आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन आ गया था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। ये तो सबको पता था कि वायुमंडल में 0.03% क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन में 0.03% आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन में था भी नहीं। तो ध्यान रखना, अगर अपन 0.03% को ppm में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? ppm में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 300 ppm। कितना आता है? 300 ppm। और उसका आंसर भी यही था, क्योंकि 0.03% को अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे? ppm में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? ppm में। तो कितना आ जाएगा? 300 ppm। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑर्गन कितने प्रतिशत होती है? 0.093%। ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%। याद रह जाएगा पक्का कि नहीं रह जाएगा? ध्यान रखना, और इसका विशेष ध्यान रखना, CO2 कितनी पाई जाती है? 0.03% भी याद रखना है आपको और 300 ppm भी याद रखना है। अब एक बात आती है कि वायुमंडल में तो CO2 कितनी पाई जाती है? 0. अब बात करते हैं मृदा वायु की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मृदा वायु की। मृदा वायु की ध्यान रखना ना, वायुमंडल की जो अपेक्षा वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 0.03%। इसकी लगभग मृदा वायु में इसकी अपेक्षा लगभग 10 गुना। कितनी? 10 गुना ज्यादा पाई जाती है मृदा वायु में CO2। लगभग कितने गुना पाई जाती है? 10 गुना ज्यादा। तो 10 गुना ज्यादा का मतलब कितनी हो जाएगी? वो लगभग 0.25%। कितनी? 0.25% के आसपास क्या पाई जाती है? CO2। वायुमंडल में CO2 कितनी पाई जाती है? 0.03%। और मृदा वायु की बात करें तो मृदा वायु में कितनी? लगभग 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। कितनी? 0.25%। दोनों एक कंसेप्ट याद हो जाएंगे। ये याद रखने लायक टॉपिक है, क्यों यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा? प्रकाश जी रह जाएगा? तो ध्यान से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मौसम के अनुसार थोड़ी बोड़ी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मैंने आपको सारी बता दी थी। अब अगर बात करें, आगे एक टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम है हरित ग्रह प्रभाव। क्या है? हरित ग्रह प्रभाव, या इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, कोई बताएगा पीछे से? हरित ग्रह प्रभाव, वायुमंडल में जो CO2 की जो सांद्रता होती है, वायुमंडल में CO2 की जो सांद्रता होती है, सांद्रता बढ़ने के कारण प्रकाश की जो किरणें होती है, वो प्रकाश की किरणें
वापस पृथ्वी की ओर लौट आना, किसके वापस पृथ्वी की ओर लौट आना, जिससे भूमि का तापमान क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखना वायुमंडल की जो वायुमंडल में जो CO2 की सांद्रता होती है, CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण जो प्रकाश कि जो किरणें हैं वो वापस मुड़कर किसकी ओर लौट आना, पृथ्वी की ओर लौट आना, जिससे भूमि का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, भूमि का तापमान बढ़ जाता है, उस चीज को क्या कहते हैं अपन, ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव। ये डेफिनेशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरित गृह में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वो अपने इंपॉर्टेंट है, वहां से अपन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी गैस पाई जाती है। ध्यान रख लेना, एक तो गैस पाई जाती है, इंपोर्टेंट गैसें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, एक तो गैस पाई जाती है इसमें CO2, कौन सी है, CO2 लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, 60%, कितने प्रतिशत पाई जाती है, 60। ये CO2 का मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक पाई जाती है CH4, जिसका नाम किसका बोलते हैं इसको, CH4 को मैथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, और मैथेन लगभग पाई जाती है इसमें 20%, कितने 20% क्या पाई जाती है इसमें, मैथेन पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट गैस इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या नाम है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग CFC पाई जाती है लगभग 14% के आसपास, और इसमें एक और गैस पाई जाती है जिसका नाम है NO2, कौन सी, और NO2 लगभग कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 6%। जो वायुमंडल भूमि का जो तापमान बढ़ जाता है, उस ग्लोबल वार्मिंग में चार गैसें प्रमुख पाई जाती है, चार गैसें कौन कौन सी पाई जाती है, CO2 कितने प्रतिशत, 60%, मीथेन कितने प्रतिशत, 20%, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 14%, और NO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 6%। ध्यान रखना ये जो CFC है, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो अपने वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत है, कौन सी, ओजोन परत को जो सर्वाधिक जो हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाती है, वो कौन सी गैस है अपनी, CFC। ये अपनी जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत को सर्वाधिक जो हानि पहुंचाती है वो कौन सी गैस पहुंचाती है, सर्वाधिक लॉस होता है वो CFC से होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी याद रखना, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली गैसें कौन सी है अपनी, CFC, फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कितने प्रतिशत पाई जाती है, 14%। भाई पूछे चलो ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है, 60%, वायुमंडल में 0.03%, और अपन बात कर रहे हैं मर्दा वायु में, तो मर्दा वायु में कितने प्रतिशत पाई जाती है, कितने, 0.25%, लगभग वायुमंडल की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। एक बार में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैंने सारे डेफिनेशन पहले मौसम के बताया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, कितने बादल पाए जाते हैं, कौन सा मंडल होता है, वो सारा डिटेल अपन पढ़ेंगे। वापस रिपीट करा देता हूँ, मौसम किसे कहते हैं, किसी स्थान क्षेत्र की विशेष अल्पकालीन जो दशा होती है उसे क्या कहते हैं अपन, मौसम कहते हैं। अगर दीर्घकालीन दशा को क्या कहेंगे अपन, जलवायु, क्या कहेंगे अपन, जलवायु, ठीक है। मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन, मौसम का। मेट्रोलॉजी कितने वर्डों से मिलकर बना होता है, दो, एक तो मेट्रो और एक लॉजी। मेट्रो कौन सा, मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। फिर बात करते हैं अपन क्लाइमेट की, क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन, जलवायु का, जलवायु। क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। लेकिन क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन, ठीक है। अब दो तीन वैज्ञानिक याद रखने थे आपको, एक तो था डॉक्टर DN वालिया, उसे क्या कहा जाता है, विश्व मौसम विज्ञान का जनक, और डॉक्टर पी ए रामदास को भारतीय मौसम विज्ञान का जनक। जलवायु का जनक किसे कहते हैं, कोपेनको, किसको कहते हैं, कोपेनको। अगर किसी स्थान क्षेत्र की अपन जलवायु का निर्धारण करना है तो कितने वर्षों का डाटा चाहिए अपने पास, लगभग 31 वर्षों का डाटा चाहिए, तभी अपन जलवायु का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की और चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं अपन, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में प्रमुख कितनी गैसें पाई जाती है, चार, कौन कौन से,
कौन कौन सी बताओ रे? नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन 21% के आसपास। फिर ऑर्गन कितनी? 0.93%। और CO2 कितनी? 0.03%। इसको अगर हम ppm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 ppm। कितना आ जाएगा? 300 ppm। फिर बात करते हैं अपन मर्दा वायु में, तो लगभग वायुमंडल की अपेक्षा मर्दा वायु में लगभग 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। कितने पाई जाती है? 0.25% के आसपास। बात फिर अपन बात करें हरितगृह गर्भा क्या होता है, हरितगृह ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण जो प्रकाश की किरणों का वापस पृथ्वी की ओर मुड़कर आ जाना, जिससे क्या है, भूमि का तापमान बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रखना, प्रमुख चार गैसें पाई जाती है CO2 60%, मेथान पाई जाती है 20% के आसपास, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने परसेंट? 14% के आसपास, और O2 कितने प्रतिशत पाई जाती है? 6%। ध्यान रखना जो ग्लोबल वार्मिंग में पाई जाती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस क्लोरोफ्लोर गैस होती है, वो ओजोन परत को क्या पहुंचाती है? सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? हानि। और इसमें धान की फसल होता है ना, धान की फसल वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। कौन सी फसल? अपनी धान की फसल, क्योंकि धान की फसल में क्या बना रहता है? पानी भरा रहता है ना। जो धान की फसल होती है वो अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है? उत्तरदायी। क्या है? उत्तरदायी। ये भी आप याद कर लेना, ठीक है? देखो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज टॉपिक ही आप पढ़ते रहना, एक एक टॉपिक क्लियर रहता जाएगा। तो आपके देखो मैं ध्यान रखना, अगर पढ़ लेना लगभग लगभग एग्जामिनर के दिमाग में यही होता है कि अलग अलग टॉपिक है, उसे क्वेश्चन दे, क्या दे? क्वेश्चन दे। तो मौसम से भी क्वेश्चन दे सकते हैं अपन को, इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है।